नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ऐसे में 10 महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है, क्या इसके फीचर हैं, किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इन सबको हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो डिटेल में होने वाली है, इसको आपको एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना है, और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनजीटी ऐप। यहीं पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल, क्विजेज वगैरह मिलती हैं, कोर्सेज भी आए हुए हैं, ई बुक्स भी हैं, आप जाकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 25 नवंबर सन 2021 को इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। शिलान्यास तब किया जाता है जब से काम वहां पर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है। उद्घाटन तब किया जाता है जब वो संचालन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेवर में है, गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर इसका शिलान्यास किया है। तो यहां पर देखेंगे आप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। अब चूंकि ये यूपी में है तो योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो स्थित हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो कि दोस्तों डिप्टी सीएम हैं यूपी के, और यहां पर आपको देख रहे हैं कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये दोस्तों उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख चेहरे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों ये एशिया में सबसे बड़ा है, भारत में तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही, ये विश्व में ये चौथे स्थान पर है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये क्षेत्रफल है 6200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 5 रनवे है इसमें, 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट बनेगा जब बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, शिलान्यास किया है, काम शुरू हो चुका है। संचालन कब तक होगा? संचालन इसका दोस्तों 2024 तक हो जाएगा, यानी 2024 से फ्लाइट्स आने जाने शुरू हो जाएंगी इंटरनेशनली। ओके, तो 2024 सितंबर महीने तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट चूंकि यूपी में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश दोस्तों एक ऐसा एकमात्र राज्य है भारत का जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड ये बना रहा है दोस्तों, ये भारत में विमानन की, भारत में जो विमान उतरते हैं, विमान की रख रखाव की जाती है, उनकी मरम्मत की जाती है, जो भी एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनका भी एक हब बनेगा, और भारत का सबसे बड़ा ऐसा हब होगा जहां पर विमानों की मरम्मत, रख रखाव और संचालन हो सकेगा। तो ये सबसे बड़ा ऐसा केंद्र भी होगा भारत का। उत्तर प्रदेश के 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले वाराणसी में है यूपी में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के अमौसी में स्थित है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद होगा अभी कुशीनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी साल इसका भी उद्घाटन किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका शिलान्यास किया जा चुका है, गौतम बुद्ध नगर में, ये नोएडा में स्थित है। इसका पुराना नाम दोस्तों जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। और मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि दोस्तों पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश हो रहा है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के जो नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है वहां तक पॉड टैक्सी सेवा चलाई जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पॉड टैक्सी सेवा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बनाया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य होगा भारत का उत्तर प्रदेश। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण खूबियों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बिल्कुल डिजिटल होने वाली है, पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन का यूज किया जाएगा, ऐप से ही, इसका एक खास तौर से ऐप लॉन्च होगा और उसी ऐप से मोबाइल्स के थ्रू ही लोग अपना टिकट बुक कर सकेंगे, ठीक है। कोई भी यात्री होगा, पैसेंजर होगा, वो ऐप के माध्यम से ही टिकट बुक कर सकेंगे, एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग नहीं होगी। इसके अलावा पेपरलेस रहेगा, पूरी तरीके से जो भी सेवाएं होंगी वो पेपरलेस होंगी,
किसी भी प्रकार की पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना ही प्रवेश के टाइम ना ही एग्जिट के टाइम। तो फिर कैसे प्रवेश होगा, कैसे एंट्री एग्जिट होगा? तो इसके लिए दोस्तों QR कोड दिया जाएगा। QR कोड प्रत्येक यात्री को दिया जाएगा, प्रत्येक जो उसके कर्मचारी होंगे उनको मिलेगा, अपना अपना सबका QR कोड रहेगा, उसी QR कोड के माध्यम से वो एंट्री कर पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, सफर के दौरान भी टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, QR कोड से ही देखते ही सब कुछ स्कैन हो जाएगा। जैसे मेट्रो वगैरह में आप लोग देखते हो ना, एक मेट्रो कार्ड होता है या क्वाइन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू उसकी मदद से एंट्री होती है, एग्जिट होता है, ऐसे ही QR कोड यहां पर रहेगा और QR कोड के थ्रू सब कुछ किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा फीचर है, वो है जीरो कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन इसमें जीरो रहेगा, यानी पूरी तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा, कार्बन मुक्त रहेगा ये, इसमें कार्बन कहीं भी प्रकार से किसी भी प्रकार से यूज नहीं किया जाएगा। निर्माण में ऐसे मेटल्स का यूज किया जा रहा है जिससे कार्बन का उत्सर्जन ना हो सके। ठीक है, तो बहुत ही आगे का सोच करके ये शुरू किया जा रहा है। जो लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं उन लोग को मैंने अभी बताया था कि 2030 तक दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने घोषणा की है कि वो पूरी तरीके से जीरो कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये अगर 2024 में बनकर के तैयार हो जाता है, संचालन शुरू हो जाता है, तो ये उससे पहले ही ये चीज कर लेगा, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं तो रहेंगी। इस एयरपोर्ट को दोस्तों मेट्रो से जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ इसमें इसको हाईवे से, एक्सप्रेसवे से सबसे कनेक्ट किया जाएगा, तो बहुत ही तगड़ी कनेक्टिविटी होने वाली है। ऐसा एयरपोर्ट बनने वाला है ये, जो मेट्रो से भी डायरेक्टली लिंक होगा। एक्सप्रेस वे जो बनाए जा रहे हैं अभी, देखिए अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, एक नया एक्सप्रेस वे आया, ठीक है, उससे भी कनेक्ट कराया जाएगा। इस प्रकार से इसको जोड़ा जा रहा है जहां से यात्री बहुत ही क्विकली आराम से पहुंच सके, डायरेक्टली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सके। ठीक है, तो इससे देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट से अगर कोई नोएडा एयरपोर्ट आ रहा है तो वो भी पहुंच सके आराम से। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट सुविधाएं होंगी पहुंचने की। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का भी कॉरिडोर बनेगा, अगर फ्यूचर में बुलेट ट्रेन यहां से गुजरती है तो उसके लिए भी एक कॉरिडोर होगा। ठीक है, तो देखिए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है, वर्किंग में है, तो फिर यहां से भी उसे कनेक्ट कराया जाएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोस्तों इसका उद्घाटन किए हुए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी NCR से यानी नेशनल कैपिटल रीजन से काफी तेजी से हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत नोएडा भी आता है, और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि नेशनल कैपिटल रीजन में ही 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड ही कह सकते हैं हम लोग, और इसे यमुना एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। तो सितंबर 2024 तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा, पूरा शुरू होने की उम्मीद है। ओके, तो ये तो थी दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत के सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ खास बातें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का खाकी बैच आया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो मिलती है आपको, हर एक वीडियो की डिटेल नोट्स और क्विज प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 फुल मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। करंट अफेयर की ईबुक्स फ्री मिलेगी आपको, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो जाइए पता कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, MZT ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 399 में है, तो आप इसे अभी ले सकते हैं, इस ऑफर का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको MZT ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप MZT ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।